यस डियर स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित ललित निबंध मेरे राम का मुकुट ठीक रहा है पढ़ रहे हैं। इस मुकुट में, इस निबंध में जो है, लेखक ने श्री राम के वनवास के समय जो अयोध्या के लोगों की मानसिक स्थिति थी उसका चित्रण करते हुए जो माता पिता हैं उनके मनोभावों को व्यक्त किया है कि किस तरह से संतान विदेश में रहे, दूर रहे, बड़ी भी हो जाए तो भी माता पिता को उनकी चिंता रहती है, उनको हमेशा यह रहता है कि मेरे बच्चे को वो सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा जिसकी वह अधिकारी नहीं है। इस तरह से माता पिता जो है चिंता करते रहते हैं, जबकि जो बच्चे हैं वो यह समझ नहीं पाते, और जब खुद वे इस स्थिति का सामना करते हैं तो कहीं जाकर माता पिता की इस पीड़ा का एहसास वो थोड़ा बहुत कर पाते हैं। दूसरा, इसमें ये भी बताया है कि मनुष्य कई बार छोटी छोटी बातों को लेके ही बिना वजह की चिंता करता रहता है, उलझा रहता है, उलझ जाता है, जबकि बात हकीकत में ज्यादा बड़ी नहीं होती, और कई बार बहुत बड़ी बात है वो भी सहजता से निकल जाती है, पर मनुष्य इन्हीं चिंताओं में घुला हुआ अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। इस तरह की चीजें हमने कल पढ़ी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मोरे राम का भीजे मुकुट वाह, इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने अपने भाव विचार प्रकट किए हैं। साथ साथ कल लेखक ने यह भी बताया कि जैसे मनुष्य के जीवन में जो है, जब उसे लगता है कि उसका मन उदास है या खराब है, या कहीं वो उसके मन में कोई ऐसी कह सकते हैं अपशगुन वाली या इस तरह की कोई बात उसके मन में घुसी हुई है, तो उसे अगर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो भी वहाँ अमंगल ही दिखाई देता है। जैसे कि उसने ये कहा कि कोई डोरी जो है वो कुंडली मारकर बैठी हुई हमें, मुझे जो है नागिन जैसी लगती है, जो मैं हर जगह जो है, कहने का अर्थ लेखक का क्या था कि मैं जो है हर जगह एक ऐसी बात या भावना ढूंढ लेता हूँ जिससे यह पता चलता है कि भी मैं जो है ज्यादा मंगल कामनाएं ना करके शंका कुल रहता हूँ, मतलब मुझे शंकाएं ज्यादा रहती है बजाय की मंगल कामनाओं के। इसमें से कल हमने पढ़ा कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए, लताएं कुम्हरा गई हैं, नदियां और सरोवरों को देखना भी दुरासह है, दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया, उत्कर्ष और उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया, उत्कर्ष की मनुष्य की उन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही, इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रही है, चिंता स्वाभाविक हो जाती है। अब राम के वनवास के समय को ही उन्होंने इसमें मूल विषय बनाया है, उसी के हिसाब से ही समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी। वो तो कहते हैं कि हाँ, एक तरफ जो है बहुत मंगलमय प्रभात की कल्पना था कि विकल सुबह जो है राम राजा बनेंगे, और एकदम से जैसे कि जो दिन निकला तो ऐसा लगा कि जैसे काल रात्रि आ गई है, सब एक दूसरे को देखने से घर शमशान जैसा हो गया, सुनसान वीराना हो गया, ऐसे लगता था अपने हाथ को हाथ खाए जा रहा है, अपने लोग ही भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख, मतलब चारों तरफ जो है निराशाजनक वातावरण छा गया, ऐसे लगता था कि जैसे जो नदियों और सरोवरों का पानी है वो भी सूख सा गया है। कहते कि जिसका अभिषेक होने जा रहा था उसको निर्वासित कर दिया गया, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर के बाहर कर दिया गया, कि जैसे उत्कर्ष का अर्थ है बहुत ऊंचाई की तरफ जाने वाला, उन्मुख का अर्थ है उसकी तरफ मुंह किए हुए, समष्टि का चैतन्य सारी जो प्रजा थी, समष्टि का मतलब था समस्त संसार समाज, उसका चैतन्य जो चेतन शक्ति थी उन्हें ऐसे लगता था घर से बाहर कर दिया गया था। राम जो है सबके हृदय में रहने वाली चेतन शक्ति थी जो घर से बाहर कर दी गई है, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से चलती आ रही है, कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा ऊंचे की तरफ जाने लगता है तो उसको कहीं ना कहीं जो है दुख का सामना भी करना पड़ता है, और जब अदा कीमत अदा कर दी जाती है, मतलब क्या था कि जो बहुत खुशी सारी अवध को मिलनी थी उसकी यह कीमत चुका देनी पड़ी, और जो उत्कर्ष अर्थात राम है वो सबके उत्कर्ष अर्थात सबके श्रेष्ठ है और सबके लिए अपनी है, तो कहते हैं कि सबको अब ये हो गया कि जब सब कुछ समाप्त हो ही गया है तो जो है उत्कर्ष है जो हमारे राम है वो कम से कम सुरक्षित रहे, उनको कुछ ना हो, उनका मुकुट सुरक्षित रहे, सब इस बात की चिंता करते हैं। तो कहते हैं ये मनुष्य का स्वभाव है, जब भी मनुष्य का सब कुछ लूट जाता है तो उसके बाद जो उसके पास बचता है वह उसकी सुरक्षा करना चाहता है, ये चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना ने भीगे, वह हर बारिश में हर दूर दिन में सुरक्षित रहे, नर के रूप में लिया करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था
व्यवस्था झेले पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। वह नारायण के सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीतर है, उनका दुपट्टा उनका अहर्निश जागरण ने भेजे। इसका अर्थ यह है कि वो जो दिन रात जागते उन्होंने अपनी नींद पर भी काबू पा लिया था। दिन रात सेवा करते हैं राम और सीता की, और अपने आप कह सकते हैं ड्यूटी पर तैनात है। जो उन्होंने सेवा किया है, जो जिम्मेदारी ली है, उसके ऊपर वो पूरी तरह से तैनात। कहने का अर्थ लेखक का क्या है कि मनुष्य यह चाहता है कि जो उसका उत्कर्ष है, जो उसका पास जीवन में श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, वह सुरक्षित रहे। राम के बारे में भी ये कहते हैं कि वे नारायण जो है मनुष्य के रूप में अवतार लेकर आए हैं, उनके जीवन में जो संघर्ष है वो कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में जो उनके अंदर ईश्वरत्व है, ईश्वर तत्व जो है, ऐश्वर्य तत्व जो है, वह हमेशा सुरक्षित रहे। जैसे लक्ष्मण है वो भीगे तो भीगे, लेकिन उनका फटकार था, जो उन्होंने काम करने की जिम्मेदारी ठान ली है वह हमेशा सुरक्षित रहे, वह बची रहे, ऐसा सब चाहते हैं। क्या कहते हैं, शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य से मान सिंधु से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेमा पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दूसरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी विजन में, विजन का अर्थ है जहाँ पर जन नहीं है, अर्थात जहाँ पर बिल्कुल बहुत कम लोग दिखाई या कुछ कोई होता ही नहीं है, निर्जन स्थान को हम विजन कहते हैं। प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। अब कहते हैं कि यह मनुष्य के जीवन की एक कल्पना ही है। जैसे ही राम को ने सुख लिया, वो जिस कार्य के लिए आए थे उनकी इतनी तपस्या के साथ ही वह कार्य पूर्ण होना था, लेकिन जो है सीता को दोबारा वनवास दे दिया गया। वह वन के दुखों को अकेले भुगतती है, जब उसकी प्रसव पीड़ा से उसको सहन, तो उसके पास कोई है नहीं, कोई साधन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कौन उस समय प्रकाश दिखाने वाला कोई नहीं है। और कहते कि जब वे राजा के पुत्र है जन्म ले, तो जन्म के गीत गाए जाने चाहिए, पर सीता के जब पुत्र जन्म लेते हैं तो वहां पर कोई गीत गाने वाला भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहते हैं कि जो हमारे अंदर की एक कहावत है कि विल पावर है, जो जीवनी शक्ति है, जो कर्तव्य निष्ठा है, वह हमेशा सुरक्षित रहे। जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस काम के साथ हमारा जुड़ाव है, हम उस काम के प्रति किसी भी तरह का कुछ भी कुछ बुरा नहीं होने दे, कुछ गलत नहीं होने दे, ऐसा भाव हर एक व्यक्ति के मन में होता है। कोई गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बिनती है, जलाकर अंजोर करती है, अर्थात अपने आप को गर्माहट लाती है। जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित कूद पड़ने के लिए उठनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ते हैं। कभी दूध उफनता, उस पर जरा से पानी के छींटे दे तो वो एकदम से शांत हो जाता है। तो सीता क्या है कि उसके मन में जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जैसे ही अपनी संतान की, दोनों बच्चों की सूरत देखती है, ऐसे लगता है कि वह क्रोध का जो उबाल है वह तुरंत शांत और ठंडा हो गया है, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है, वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भूभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच जाती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राज मुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर तीखे और निर्मम। तो क्या कहते हैं, यह संस्कृत का श्लोक है, आप जानना चाहें तो जान लेना, नहीं तो आपको इसका आप भाव समझेंगे कि जब श्री राम ने सीता माता को निवासी, तो वो वन महल में रहते हुए भी एक तपस्वी की भांति जीवन जीते। उनका यह तर्क था कि यदि पत्नी जिस तरह के सुख भोग नहीं करती, तो पति को भी वैसा कोई भी सुख भोग करना नहीं चाहिए। वह राजा है, राजा के रूप में इस प्रजा की सेवा करते रहेंगे, लेकिन एक पति के रूप में वह वैसा ही जीवन यापन करेंगे जैसा जो है सीता वन में कर रही है। ऐसा वो मानते हैं कि कहते मुकुटधारी राम के जीवन में बहुत व्यथा दुख है। अयोध्या जैसे ही सीता को भेज दिया जाता है, जंगल जैसी बन जाती है, स्नेह की रसधार में रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच जाती है, दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राज मुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर तीखे और निर्मम। क्या कहते हैं कि राम का मुकुट इतना भारी, इसकी मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, भारी उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और उस वेदना के चीतकार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर
हो जाता है कि उसके जो महानता है सीता की वह और ज्यादा अच्छी दिखाई देने लगती है। इसका अर्थ क्या है? लेखक कहना चाहता है कि जब हम जीवन में कष्ट सहन करके कुछ अपने जीवन में आप कह सकते हैं कष्ट सहन करने के बाद जब हम यह देखते हैं कि हमने कुछ ज्यादा बड़ा पाया है, मतलब कुछ पाने के लिए हमें कष्ट सहन करना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति के अंदर वो कहते हैं, लेखक कहता है कि जब राम के जीवन में ऐसी तपस्या आई कि वो उनके अपने जो मुकुट है, राजा का जो जिम्मेदारी है वह उन्हें बोझ जैसा लगता है, पर वो उसको निभाते हैं, तो सीता का जो माथे का सिंदूर है और दमकने लगता है। यहाँ वह प्रतीक में है बताना चाहते हैं, यदि पति के द्वारा कुछ बड़ा कार्य किया जाता है तो उससे पत्नी का भी मान सम्मान बढ़ता है, और ऐसे ही पत्नी के द्वारा कुछ बड़ा काम किया जाता है तो उससे पति का मान सम्मान बढ़ता है। वो लेखक कहता है कि जैसे ये बातें सारी सोच रहा है, सोचते सोचते कुर्सी पर पड़े पड़े वह यह सब सोच रहा है, राम के वनवास के समय की बातों को सारा, और जैसे किस तरह से माता पिता की स्थिति होती है, किस तरह से चिंताएं होती है, सब सोच सोचते 4 बजने को आई, इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े, सहमी हुई कृष्णा मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोली, आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम कितने परेशान हो रहे हैं, भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं, मुंह ढांक कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ती की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्ध चेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वही लौट गया, अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर मेरी दादी नानी के गीतों में राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदे पड़ने लगती है, तने पर टिके तो उसकी हर नस नस में आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है, जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है मूसलाधार ठरकाए चले जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि लेखक जैसे ही मैं कुर्सी पर पड़ा था उस बारे में सारी बात सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, पर वो अब तक नहीं आए थे, मैं ऐसे कुछ सोच ही रहा था कि लड़की ने दस्तक दी और वो जो है सभी अपने, क्योंकि उनको मैंने कहा कि हमें कितनी चिंता हुई तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, पर ऐसा किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ यह सोचा कि भी चलो अब जैसे भी है आराम करते, सबने मुंह ढक कर सोने का अभ्यास किया। कहते मैं भी बिस्तर पे पड़ा रहा पर अर्ध चेतन अवस्था में, मतलब थोड़ी थोड़ी सी नींद थी, मुझे ज्यादा नींद नहीं आई, और फिर मैं वहीं पर ही खोया हुआ था, वही लौट गया कि मेरे बच्चे घर आ गए हैं, संगीत में भीग कर मेरी दादी नानी के गीतों में राम लक्ष्मण और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज वो फिर उस तरह से उसी कल्पना में खो जाता है जहाँ राम के वनवास का दृश्य वो देख रहे थे, कि जैसे तो उसकी नस नस में आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है, जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं, बादल है कि मूसलाधार ठहराए, राम भीग रहे हैं और बादल बरसाए जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी गुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हुए हैं, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं, कि तुम कह रहे थे कि राम और चोर की बात सच लगती है, मन कितना बटा हुआ है, मन चाहे रंग चाहे दोनों तरह के हजारों चीजों में। अब लेखक कहता है कि मैं बार बार उस तरफ जाता हूँ, फिर मन बात पर कहते हैं कि तुम्हें राम के वनवास का दुख कैसे होगा, तुमको उसके साथ, तुम्हारा उसके साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। लेखक के मन में यह भाव आता है कि दुख सुख जो है दूसरे के हमें तब प्रभावित करते हैं जब हमें यह लगता है कि उसके साथ हमारा सीधा संबंध है, जैसे कि उसके बेटे के साथ और वो जो मेहमान लड़की थी उसकी तरफ लेखक का जब ध्यान गया तब उसे चिंता क्यों हुई, क्योंकि उसको लगता था कि यह मेरी जिम्मेदारी है, इनका संबंध मेरे साथ सीधा है। तो लेखक ये कहना चाहता है, इसका जो भाव और सार निकल कर आता है वो ये कहना चाहता है कि मनुष्य जो है मन चाहिए और अनचाही, कि कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें हमारे मन को अच्छी लगती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती, और इन दोनों तरह की हजार चीजों के बीच में हमारा मन उलझा रहता है। दूसरे कुछ बतियाएं भी पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है, पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है, वह चिंता क्या प्राय के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपना नहीं है, फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं, क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उसकी बड़ी हुई शर्त नहीं है। लेखक ये कहता है कि हम जरूरी नहीं है कि जिस अनमनेपन में मैं इसे उदास होकर बैठ जाता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें सोचता रहता हूँ, इसका संबंध मेरे किसी चीज के साथ है या नहीं है, कि क्या सच में हमें कभी किसी पराये के साथ भी चिंता होती है, किसी पराये के लिए हमें चिंता हो सकती है, नहीं, जिनके साथ हमारा अपनापन होता है, जिन प्रत्यक्ष जिसके साथ संबंध होता है वहीं पर ही हमें चिंता सताती है।
तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या भीतर से कहाँ पाऊं अपनी उदासी में ऐसा अपनी उदासी में ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं। मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ, हिरा का मतलब घिर गया हूँ, बंद गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास और कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बच्चे कुछ स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उससे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है, पर राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। अब लेखक कहते हैं कि मैं चाहे किसी भी तरफ ध्यान दूं, चिंता करूं, न करूं राम के निर्वासन की, सीता के मतलब सिंदूर की, राम के मुकुट की, लेकिन वहां से सब कुछ बातें करने के बाद अगर मैं सही मायने में मेरी चिंता का कारण ढूंढता हूं तो यह है कि मेरे घर कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आई लड़की और वो रात को देर रात तक न घर में पहुंचे तो मेरे मन में जो चिंताएं आती है वह उस कारण आती है, बिना कारण के कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। और फिर कहते कि मैं और किस तरफ भी ध्यान लगा लूं, जो यह मेरे जीवन की है इससे मैं उबर नहीं सकता, इससे मेरा ध्यान हटता नहीं है। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है। लेकर कहते हैं कि दिन निकल आया, उजास का अर्थ है उजाला आता है पूरब दिशा से, अर्थात सूर्य निकल आया है। और इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ बढ़ती उतरती जनसार गीती हल्की सी हिरण पैदा कर जाती है मोरे राम के विजय मुकुटमा। लेखक कहते हैं कि मैं इन सारी बातों की तरफ ध्यान में लगी हुई हूँ कि जो चक्की पीसने वाली महिलाएं हैं वो यह गीत गुनगुनाती, और यह स्वर सूर्य की उजास के साथ ही मेरे कानों में पड़ने लगता है। और जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर उपरिस्त है पर ही नहीं भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी उमड़ी उदासी बरसने बरसाने बरसने को आ जाती है, बरस न पाई है लग बात है कुछ भीतर भाप को तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर जा रहा है उस उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कुशलाओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनि में कुशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतर्क उत्कर्ष के लिए आकुल उसको शल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं रहा है घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा परंपरा है उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई रहा तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों के लिए चमकती छवि, यात्राओं के लिए बहुत सी रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां डरेंगे और सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी केवल चक्की का स्वर भ्रम श्रम का स्वर ढलती रात में इकती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रह गया। किस ओर राम उड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता तो दो सखी। अब लेखक कहते हैं कि उसके मन में भीतर झांकते उनके अंदर न जाने कितनी तरह की चिंताएं थी, पराई कन्या देर रात तक नहीं लौटी। लेखक को लगता है कन्या की चिंता इसलिए थी कि उन्हें सीता का स्मरण हो आया था। वो ये कहते हैं कि जीवन के अंदर ऐसा कुछ होता है कि मनुष्य का हृदय जो है अपने मतलब पुत्र और बाहर से आई कन्या के लिए था, केवल राम की चिंता से भरा हुआ हृदय लेखक के पास कहाँ है। कन्या की चिंता करते करते सीता का ख्याल आ गया, लेखक किसी चिंता में डूबा हुआ है कि सूर्योदय हो जाता है, चक्की पीसती महिलाओं के गीत सुनाई देने लगते हैं मोरे राम के भीजे मुकुटमा। और इसके साथ साथ लेखक यह कहता है कि जो जहाँ जिस पर राम वनवास के लिए गए थे वह जो स्थान है वह पर्यटक केंद्र बनाया जा चुका है, वहां पर जो है वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र जिसे आप जू भी कहते हैं वो बनाया जा रहा है, और बहुत सारे सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों के लिए चमकती छवि, यात्राओं के लिए बहुत से रमणीय स्थल बना दिए गए हैं। और जहाँ सही मायने में कौशल्या का ध्यान बटा हुआ था कि उसका पुत्र जो है बारिश से बचने के लिए कहाँ मुड़ा होगा, कैसे किया होगा, उस समय जो वन प्रदेश की स्थिति थी वह कैसी होगी, तो जो कौशल्या माँ का हृदय है वह हमेशा उस तरफ ही जाता रहेगा और हमेशा पूछता रहेगा कि मेरी संतान कैसी है। और अगर पूरे निबंध का भाव हम जाने और समझे तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो राम है अर्थात प्रत्येक माता है कौशल्या माता है, और राम जो है प्रत्येक माता का संतान है। जब भी हमारी संतान बाहर होती है तो माता पिता को उनकी चिंता होती ही है, माता पिता संतान के बड़े हो जाने के बाद भी यह मानती ही नहीं है
कि वे किसी भी तरह के संकट का सामना करने के योग्य हो चुके हैं। उन्हें हर घड़ी हर पल अपने संतान का के सुख की, अपने संतान के जीवन में आने वाले संघर्ष की चिंता बनी रहती है। उनके मन में यह हमेशा रहता है, हर एक कौशल्या माता के मन में, कि मेरी संतान जिस वैभव और सुख की अधिकारिणी है उसे वह मिल नहीं पा रहा है। और फिर बाद में वह यह भी सोचती है कि जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसे मिल चुका है, वह सलामत रहे, सुरक्षित रहे। हर माँ के मन का यह भाव रहता है। इस तरह से लेखक ने यह बताया है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, कि जो उत्कर्ष है, जो हमारा श्रेष्ठ, हर एक माता की उसकी संतान श्रेष्ठ होती है, वह सुरक्षित रहे, इस बात की चिंता हमेशा बनी रहती है। तो जो है बेटा, हम आज यहीं तक ही पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर जो है वह